दोस्तों, राज बब्बर भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको इनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बता दें कि राज बब्बर 80-90 दशक के टैलेंटेड बॉलीवुड अभिनेता होने के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं इनकी फैमिली से। राज बब्बर जी का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कुशल कुमार बब्बर था और मां का नाम शोभा रानी बब्बर। इनके पिता की तस्वीर उपलब्ध नहीं है। राज जी के 2 भाई और 4 बहनें हैं। बता दें कि भाई बहनों में से राज बब्बर जी के एक भाई विनोद बब्बर जी का निधन हो चुका है। विनोद बब्बर जी की तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है और इनके दूसरे भाई का नाम किशन बब्बर है। वहीं इनकी 4 बहनों के नाम है किरण चंदोक, अंजू सहदेव, सुमन मल्होत्रा और शशि वर्मा। किरण, अंजू और सुमन की तस्वीर उपलब्ध नहीं है। राज जी की शादी 21 नवंबर सन 1975 में नादिरा जहीर से हुई थी, जो फिल्मों की अभिनेत्री और नाट्य निर्देशक रह चुकी हैं। इन्होंने दूसरी शादी अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल से की, मगर स्मिता पाटिल जी ने जब अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया तब उसके कुछ ही दिनों बाद चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के कारण उनका निधन हो गया था। इसके बाद राज जी वापस अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ रहने लगे। बच्चों की बात करें तो राज बब्बर और उनकी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम जूही बब्बर और आर्य बब्बर है। बता दें कि जूही बब्बर प्रोफेशन से एक अभिनेत्री हैं और उनकी दूसरी शादी टेलीविजन के जाने माने एक्टर अनूप सोनी से हुई है। उनके पहले पति का नाम बिजॉय नाम्बियार था। राज बब्बर जी के नाती का नाम ईमान सोनी है, जो इनकी बेटी जूही बब्बर और अनूप सोनी के बेटे हैं। ईमान सोनी अभी छोटे हैं और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, राज जी के बेटे आर्य बब्बर एक अभिनेता हैं। आर्य बब्बर भी शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम जैस्मीन पुरी है। राज जी और स्मिता पाटिल के एक बेटे हैं, जिनका नाम प्रतीक बब्बर है। प्रतीक बब्बर प्रोफेशन से एक फिल्म अभिनेता है। उनके दूसरे बेटे प्रतीक बब्बर की भी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम सानिया सागर है। तो ये थी मशहूर अभिनेता राज बब्बर की फैमिली। अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटीज की फैमिली के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।